हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट हेल्प इंडिया। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप जियो कॉलर ट्यून में आप किसी भी सॉन्ग को कैसे सेट कर सकते हैं। गाइज, आपको पता होगा बहुत सारे सॉन्ग ऐसे भी होते हैं जिसे आप जियो कॉलर ट्यून में सेट नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वो ट्रिक भी बताने वाला हूँ। अगर आपको पता ही नहीं है कि जियो कॉलर ट्यून में किसी भी सॉन्ग को कैसे सेट करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिस एप्लीकेशन का नाम है जियो सावन। तो अगर आपके मोबाइल में जियो सावन एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वैसे मैं उस जियो सावन एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लिंक पर क्लिक करके जियो सावन एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जियो सावन को पहले ही डाउनलोड करके रखा है, जैसा आप ये देख सकते हैं, ये है जियो सावन। तो आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। ये एप्लीकेशन फ्री अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जियो सावन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जियो सावन एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए बोलते हैं तो आप अपना अकाउंट यहाँ पर इस एप्लीकेशन में बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है, तो कुछ ऐसा पेज मेरे पास आ रहा है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे सॉन्ग आपके पास आ जाएंगे जो न्यू में रिलीज हुए होंगे। और अगर आप अपना मनपसंद का सॉन्ग यहाँ पर सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, यहाँ पर मैं हैक्ड मूवी का, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं हैक्ड। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया हैक्ड, और हैक्ड सर्च करने के बाद आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप मूवी का भी नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप सॉन्ग का भी नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूवी का नाम सर्च किया था हैक्ड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मूवी में जितने भी सॉन्ग थे वो सारे सॉन्ग यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप जो भी सॉन्ग आप जियो कॉलर ट्यून में सेट करना चाहते हैं आप उस सॉन्ग को यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सॉन्ग मुझे अच्छा लगता है, तुझे हासिल करूंगा, तो मैं इसे प्ले कर लेता हूं। सॉन्ग प्ले कर लेने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक ऑप्शन है सेट जियो ट्यून, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। सेट जियो ट्यून में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, तो आपको इस प्ले में क्लिक कर देना है। तो क्या जैसे आप प्ले में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सॉन्ग का प्रीव्यू मिल जाएगा कि ये सॉन्ग कैसा है और ये सॉन्ग कहाँ से कहाँ तक चलेगा आपके कॉलर ट्यून में। तो अगर आपको ये सॉन्ग पसंद आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे में एक बटन मिल जाते हैं सेट जियो ट्यून, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और उसके बाद हो सके तो आपके मोबाइल में एक SMS और आएगा, मैसेज भी आ जाएगा इस टाइप से, और गाइज एक मैसेज भी आपको आ जाएगा इस टाइप से, जैसे कि आप ये मैसेज देख सकते हैं। तो आप इस मैसेज को ओपन कर लीजिए। इस मैसेज को ओपन कर लेने के बाद कुछ ऐसा रहेगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं, डियर कस्टमर एज पर योर रिक्वेस्ट जियो ट्यून सॉन्ग, ये वगैरह वगैरह कुछ है। क्योंकि मैंने जियो ट्यून पहले ही सेट किया था, यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आया है चेंज, तो यानी कि मेरा जियो ट्यून चेंज हो चुके हैं और इसका जो प्राइस है ये चार्ज बिल्कुल ही फ्री है। तो आप जियो कॉलर ट्यून आप बिल्कुल ही फ्री में सेट कर सकते हैं, जो कि जियो में एक रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये जियो सिम का बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है। तो आप ये देख सकते हैं अब ये मेरा सॉन्ग चेंज हो चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम सेट करेंगे तो आपका सॉन्ग फर्स्ट टाइम सेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जो सॉन्ग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे कैसे सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं जिसका नाम है मोटो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सर्च के आइकन में, सर्च आइकन में क्लिक करने के बाद मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ मोटो। मोटो सर्च कर लेने के बाद आप सॉन्ग का भी नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मोटो सर्च कर लेने के बाद आप जो भी गाना लगाना चाहते हैं जियो ट्यून में आप उस गाना को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, तो आप सिंपली प्ले के आइकॉन में क्लिक कर दीजिए। प्ले के आइकॉन में क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा और आपका सॉन्ग यहाँ पर प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कॉपीराइट के कारण यहाँ पर मैंने सॉन्ग का वॉल्यूम पूरा ही लो कर दिया है। तो जैसे आप इस सॉन्ग को प्ले कर लेंगे तो ये सॉन्ग आपके पास आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट जियो ट्यून, तो जो यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, रिक्वेस्ट जियो ट्यून में क्लिक कीजिएगा और आप इसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा।
जैसे आप ये रिक्वेस्ट कर देंगे ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा और ये गाना 1 से 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा जियो ट्यून में। तो आप इस गाना को सेट कर सकते हैं अपने जियो ट्यून में। तो अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट जियो ट्यून आ रहा है, अगर आप इसे रिक्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास 2 से 3 दिन समय लगेगा और ये सॉन्ग अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप इस सॉन्ग को सेट कर सकते हैं जियो ट्यून में बहुत ही आसानी से। और आजकल वैसे सभी सॉन्ग अवेलेबल होते हैं पहले से, जो गाना रिलीज होते हैं आप उस गाना को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक सर्च कर लेता हूँ, रुला के गया इश्क क्या नाम है, तो यहाँ पर मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूँ। रुला के गया कुछ ऐसा, रुला के गया इश्क, तो मैं इसे यहाँ पर सर्च कर ली है। सर्च करने के बाद आप इसमें क्लिक कर दीजिए और आप इस सॉन्ग को यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं। प्ले करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये सॉन्ग नीचे में प्ले हो जाएगा। प्ले हो जाने के बाद आप इसमें क्लिक कीजिए और आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा सेट जियो ट्यून, तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इसका प्रीव्यू सुनना चाहते हैं तो आप इसे पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर सॉन्ग का प्रीव्यू सुन सकते हैं इस प्ले के बटन में क्लिक करके। अगर आपको ये सॉन्ग अच्छा लगता है तो आप सिंपली सेट जियो ट्यून में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जियो यानी कि आपका कॉलर ट्यून यहाँ पर सेट हो जाएगा आपके जियो सिम में। और गैज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अकाउंट बनाते वक्त आपको अपना जियो नंबर ही यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद ही आपका सॉन्ग सेट हो पाएगा आपके जियो कॉलर ट्यून में। तो जो नंबर आपका जियो का है उसी नंबर से आप यहाँ पर अकाउंट बनाइएगा जियो सावन एप्लीकेशन में। आई होप गाइज आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकॉन मिलते हैं उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।